जैसे इनको देख लीजिए, इंडिया में क्या करते थे, हाँ जंगल जंगल बुवाते थे, बकरी चलाते थे, इसका आप जीता जात का सबूत देख सकते हैं। ये हाथ तो गाइस ये मजाक है, देखिए हमारे सलाह पे बोले पूछा भी ऐसे माल ना आया। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज हमारे सौरभ भाई कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि काफी बंदे पूछ रहे थे कमेंट कर करके। तो हाँ सौरभ भाई, आज क्या बताने वाले हो? तो देखिए हमारे सौरभ भाई आज क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो है, चाहे सुपरमार्केट हो, मॉल हो, चाहे पांडा हो, चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं सुपरमार्केट का जो हेल्पर का जॉब होता है। बहुत से लोगों का कमेंट था, और बहुत से ऐसे दलाल भी हैं जो सऊदी अरब या कहीं भी किसी भी गल्फ कंट्री में लोगों को भेज देते हैं कि सुपरमार्केट हेल्पर का जॉब है, उसको बोलता है कि हेल्पर का जॉब है। और ज़्यादा से ज़्यादा बताएगा कि बारकोड स्कैनिंग का जॉब है, अगर उससे ज़्यादा कुछ बता दिया तो कहेगा पैकिंग का जॉब है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। लेकिन जब यहाँ आ जाता है बंदा, तब उसको पता चलता है कि मेरा तो क्लीनिंग का काम है, मेरा तो है जो है लोडिंग अनलोडिंग का काम में भेज दिया, हमको पैकिंग का काम बताया था। तो आज हम आपको खुलासा करके बताएंगे कि दलाल तो बस दो चीज़ का नाम बताता है, या तो आपको पैकिंग करना है, या तो आपको जो है क्लीनिंग का काम। क्लीनिंग तो रियर केस में बताता है, पैकिंग का बताता है ज़्यादा, आप बारकोड स्कैनिंग का। और सबसे एक नंबर पर जो टॉप पर आता है वो है हेल्पर का। आम धरल्ला से कह देता है कि हेल्पर के जॉब में आपको भेज रहे हैं 1200 प्लस 200, चाहे 1100 प्लस 250, इसी तरह का सैलरी बताता है। चलिए हम आपको पूरा वीडियो में दिखाते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आज आपको हम पूरा जानकारी देने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है ना, पूरा डाउट आज क्लियर होने वाला है आपका कि सुपरमार्केट हेल्पर जॉब आखिर रियल में है क्या। बहुत से लोग इसके बारे में जो है नहीं जान रहे हैं, और बेचारा दलाल जो है उन सबको अच्छा से यहाँ सुपरमार्केट हेल्पर कैटेगरी में क्या क्या काम हो रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट की, तो लास्ट तक बने रहिए, आज हमारे सौरभ भाई फुल डिटेल देंगे, जिसके मन में जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। हमारे सौरभ भाई कई दिन से बोल रहे थे, क्योंकि वो आए थे दलाल के थ्रू, तो वो दलाल के थ्रू आए थे, आगे फंस गए थे, तो वो चाहते हैं कि उनके अलावा और किसी भी बंदे को कोई डाउट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कहीं वो दलाल उनको फंसा ना दे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे सौरभ भाई पूरा जितना भी डाउट है सबका सब क्लियर कर देंगे, और सब कुछ पूरी जानकारी देंगे कि सुपर मार्केट में हेल्पर के जॉब में आखिरकार होता क्या है, क्या क्या हेल्पर जॉब में आता क्या है। गाइस वीडियो भले से लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं, और आपको प्रैक्टिकल करके हमारे सौरभ भाई सब कुछ दिखाने वाले हैं, क्योंकि वो सब दिखाएंगे कि क्या क्या काम और कैसे कैसे करना है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको सारी जानकारी ए टू जेड सब मिलेगी, जो भी डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए चलते हैं, हमारे सौरभ भाई पूरी जानकारी देने वाले हैं। हाँ सौरभ भाई देखिए दोस्तों, ये है पहला टॉपिक मेरा आज का, ये हो गया मेरा जो है हेल्पर के जॉब के टाइम में। अच्छा, ये हेल्परिंग में आता है, ये पानी जो है मंदूक लाके उतार के इधर रख के चला गया, ठीक है। आईवा, अब मेरा काम जो है, मैं फिलहाल हेल्पर नहीं हूं यहां, लेकिन आप लोग को दिखा रहा हूं, मैं अपना काम भी दिखाऊंगा आखिरी में। अब ये देखिए, यहां से हम पानी लिए, इसको ले जाके कहां लगाना है चलिए दिखाते हैं आपको। वीडियो में बने रहिए। ये जो बंदे हेल्पर में आते हैं उनको ये सब काम करना पड़ता है, सौरभ भाई उधर से पानी उठाए हैं और यहाँ लाके आके लगा देंगे। ये जो भी वकाले लाइन में या सुपरमार्केट में हेल्पर में आते हैं उनका यही सब काम है। यार बताओ, वीडियो बनाने के चक्कर में तुमने तो दूसरे का काम भी कर दिया यार सौरभ। तो मतलब हेल्प, ये फलाना आदमी जो है वहाँ किया है, ये छाप रहा है, वो छाप रहा है, लेकिन पता नहीं होता है उसको कि वो कर क्या। ये हो गया पहला कैटेगरी हेल्पर में, ये भी आता है। और देखिए दूसरा कैटेगरी हेल्पर का क्या है यहाँ। अगर बंदा हेल्पर में आ गया उसको सब कुछ करना पड़ेगा सौरभ। ये है रियल में क्लीनिंग का काम, लेकिन हेल्पर में आया है तो उसको करना ही पड़ेगा मजबूरी, उसको नहीं करता है। हेल्पर है, इसको उठा से। अगर हेल्पर में आ गया तो उसके अच्छे से लग जाएंगे। बताओ हमारे सौरभ भाई, वीडियो बनाने के चक्कर में, जानकारी देने के चक्कर में कि कोई बंदा फंस ना जाए, क्या 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 कर रहे हैं, एकदम एकदम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हो। प्रैक्टिकल करके
दिखा रहे हैं वीडियो, नहीं तो हमको शौक नहीं है करने का, ये काम किसी दूसरे का है। आज तक हम काफी फेंके नहीं है खिला के, काम जो है ये क्लीनिंग का है। रात में आता है क्लीन करने वाला आदमी, जो स्पेशली क्लीनिंग करता है, उसका सैलरी है 900 रुपया। वो फेंकता है, फिर क्लीनिंग करता है, फिर चला जाता है। अभी वीडियो के लिए हम आप लोग को दिखा रहे हैं, तो गाइस अगर सच बताएं, हेल्पर में अगर आ गए उसके अच्छे से बेचारे के लग... बेचारे का लगता है, काहे कि मान लीजिए नया नया यहाँ आएगा, किसी को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत कि वो भाषा यहाँ का नहीं जानता है, भाषा नहीं जानता है तो कर भी कुछ नहीं सकता है। अगर उसको प्यास लगा है ना, पानी तक नहीं मांग सकता है किसी से, क्या बोलेगा पानी को? जिम्मो यार, आपको मालूम है ना, उसको तो मालूम नहीं होगा ना जो नया नया आएगा। तो गाइस अगर मेन बात, मेन टॉपिक जो हुआ हेल्पर का, दलाल सब यही बोल के भेजेगा कि हेल्पर का जो है सुपरमार्केट हेल्पर, सुपरमार्केट के नाम पर मत जाइएगा आप लोग। सुपरमार्केट का नाम सुन के ना आदमी बहुत खुश रहता है, मेरा नौकरी सुपरमार्केट में लगेगा, सैलरी जो है 1100 प्लस 250, 1300 प्लस 250। तो वो सब एग्रीमेंट जो है इंडिया भर रहता है, सऊदी में वो एग्रीमेंट काम नहीं आता है। मेरा एग्रीमेंट है मेरे रूम पर, चल रहे हैं रूम पर अभी, तो दिखाएंगे आपको, ठीक है। हमारे सौरभ भाई को इतनी जानकारी इसलिए है क्योंकि ये भी दलाल के थ्रू आए थे, ये आके फंस गए थे, तो ये नहीं चाहते हैं कि और भी बंदा आके फंसे, तो इसीलिए ये बोल रहे हैं फैज भाई इस पे टॉप, इस टॉपिक पे बात करना जरूरी है। बहुत जरूरी था इस टॉपिक पर बात करना, क्या कि हम जो यहाँ फंसे हैं आके, हम भी यूट्यूब पर खोजते थे कि सुपरमार्केट हेल्पर जॉब क्या होता है, लेकिन हमको ऐसा वीडियो आज तक नहीं मिला सटीक जिसमें जब बताया गया हो फुल डिटेल। हाँ, कि जिसमें बताया गया हो कि हेल्पर का ये काम होता है, ये सैलरी होता है, एग्रीमेंट ऐसा होता है। अभी हम सैलरी पे भी बात करेंगे कि जिसका जैसा काम हो उसकी सैलरी कितनी है। चलिए आपको हम दूसरा कैटेगरी और दिखाते हैं, दो कैटेगरी पूरा हो गया है। एक और काम ये भी हेल्पर के अंदर, ये रोटी है, ये सामोली है, तो इसका एक्सपायरी डेट जो है जब ये बनता है उसके 2 दिन तक रहता है, 2 दिन तक ठीक ठाक है, उसके बाद तीसरा दिन आपको निकाल देना है बाहर, यहाँ रखना ही नहीं, यहाँ रखिएगा बलदिया आएगा फाइन मारेगा। तो अब इसका जो है तारीख आपको चेक करना है, तो बंदा अगर थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो उसको तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वही अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको इस कैटेगरी में हेल्पर में तो जॉब मिल जाएगा, लेकिन कौन जॉब मिलेगा, क्लीनिंग का जॉब या लोडिंग अनलोडिंग का जॉब, ठीक है। अब देखिए यहाँ तारीख दिखा देते आपको, ये अभी आज कितना 12 तारीख है, ये 14/8/2024 को एक्सपायर होगा, ये अभी 2 दिन अगर पढ़ा रहेगा। मतलब अगर जाहिल आदमी हेल्पर में आ गया, हाँ, तो उसका वही पोछा मारना और लोडिंग अनलोडिंग का, उधर से किस में सामान रखना कैशियर के साथ, हाँ, या क्लीनिंग करना, या सामान गाड़ी में पहुंचाना, गाड़ी से उतारना। तो अभी तो गाड़ी नहीं आया, गाड़ी आएगा रात में, अगर हो सकता है रहेंगे रात में तो मैं दिखा देगा आपको। तो देख लीजिए हेल्पर में ये सब आ रहा है, पूरा कैटेगरी हेल्पर में आएगा। हाँ सौरभ भाई, और क्या बताने वाले हो? और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए बता रहे क्या करना पड़ता है। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सौरभ भाई सब प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं आज। आज हमारे सौरभ भाई सब कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो देखिए हमारे सौरभ भाई ये भी प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, ये भी सब लोग हेल्पर लाइन में जाहिल वालों का काम आ रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, सामान अपना कीस में रखे जा रहे हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता वो सबको यही सब काम रहता है, अपना कीस में हमारे सौरभ भाई झमा झम रखे जा रहे हैं। हाँ सौरभ भाई, और क्या देखा ना? हाँ, ए टू जेड काम देखा जाए तो हेल्पर में ही आता है, ये सब सामान लगाना, ये सब सामान लगाना, ये सब भी हेल्पर ही में आता है, ऐसे ही सामान लगाना रहेगा। और ये भी लेकिन सबको नहीं मिलेगा, जिसको आता होगा, जिसको मतलब देख शक्ल ऐसा लगा है कि उसको देखने में खूबसूरत लगे। अभी देखिए ये हमारे रिजा भाई लगा रहे हैं, हैं तरतीब, मतलब तरतीब बोले तो अरबी में और हिंदी में बोलते हैं सामान लगाना, तो जिसको अच्छे से मतलब वो सामान लगाओ तो देखने में अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, जिसको आता होगा उसी को ये मिलता है काम। हाँ तो देखिए हमारे रिजा भाई अपना कितना बढ़िया सा लगा रहे हैं, एकदम लाइन भी सीधी है और ना कोई सामान इधर टेढ़ा हो रहा है, ना एकदम एक बराबर लगाए हुए हैं। तो ये हमारे चाचा हैं, ये
अगर देखे तो आए हैं तो एकदम से कैशियर में नहीं है। हाँ, ये भी 20 साल पहले आए थे। कितना दिन हो गया सऊदी को भरोसा होता गया सत्ताईस साल तो तुम बताए हो, अभी चाचा सच बता चाचा को मुझसे सुन लो। छोड़िए चाचा, अभी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उनको नहीं बोल पा रहे हैं। तो हमारे भाई भाई भी कैशियर का काम करते हैं, भाई भाई को दिखाएंगे आपको कैसे काम करते हैं कैशियर का। तो दोस्तों हम आ गए फाइनली अपने फैज भाई के पास, ये देखिए। और फैज भाई का हाल है? ठीक है। तो ये हमारे भाई साहब आए थे हेल्पर जॉब में, इनको ये पता नहीं था कि यहाँ हमको क्या करना, बस ये हेल्पर में आए थे। तो हेल्पर में आए कुछ दिन जो है ये पैकिंग का भी काम किए हैं, उसके बाद जो है ये अभी आ गए यहाँ कैशियर के काम में, उसी बकाला में है, इनका तबादला हो गया अब कैशियर के काम पर। ये देखिए अपना कुर्सी पर बैठ के मजे कर रहे हैं। तो ये होता है सुपरमार्केट हेल्पर जॉब, यहाँ आपका ड्यूटी फिक्स नहीं रहता है कि ये आपको एक काम करना है। अगर आपके अंदर टैलेंट रहेगा तो आपको जो है दूसरा काम भी मिल जाएगा। जैसे इनको देख लीजिए, इंडिया में क्या करते थे, हाँ जंगल जंगल बुवाते थे, बकरी चराते थे। इसका आप जीता जात का सबूत देख सकते हैं। ये हाथ देखिए यहाँ का, और यहाँ का देखिए, ये यहाँ कितना काला है। ये इंडिया में जो है बकरी चराता था जाके अपना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। खेत खेत जंगल जंगल, यहाँ आ गया है, कंप्यूटर मालूम था तो अभी कैशियर पर बैठा हुआ है। तो अभी एक उजेट जो है, लोग जो भी आता है यहाँ वो हेल्पर में ही आता है, सब एक उजेट कैटेगरी उसका हेल्पर का ही है। लेकिन यहाँ आने के बाद उसको पता चलता है कि तुम किस कैटेगरी में आ रहे हो, पढ़े लिखे हो कैशियर का काम कर सकते हो, तुमको कैशियर के काम में लगा देगा। अगर तुम तरतीब कर सकते हो, पढ़े लिखे नहीं हो तरतीब में लगा देगा। अगर उससे भी नहीं हुआ, तरतीब तुम्हारा अच्छा नहीं है, कैशियर का काम नहीं कर सकते हो, तो आखिरी मौका रहेगा क्लीनिंग का। अगर तारीख भी नहीं देख सकते हो, तारीख तक भी नहीं देख सकते हो, तो उसके बाद तो एक क्यों मौका बचा है क्लीनिंग का, या नहीं तो वापस घर जाने का, या लोडिंग अनलोडिंग। लोडिंग अनलोडिंग क्लीनिंग लोडिंग अनलोडिंग अगर ये कर लिए तो ठीक है, रुक जाओ, या नहीं कर पाए तो भैया या तो घर जाओ या तो दूसरा जगह कफाला करवा लो। गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन हमारे सौरभ भाई ए टू जेड सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं, रहना प्लस खाना फ्री, ये भी सरासर झूठ। हमारे सौरभ भाई अंडे की तारीख चेक कर रहे हैं, अंडे की भी तारीख चेक करना है। बिल्कुल बिल्कुल, अंडा का भी तारीख चेक करना है, ये कब एक्सपायर होने वाला है। ये देखिए 24/10/2024 को एक्सपायर, अभी दो महीना पक गया, दिखाई दे रहा हो आप लोग को। अब देखिए एक और कैटेगरी हेल्पर हमारे भाई साहब करी, भैया देखिए एक कैटेगरी में ये भी आता है हेल्पर में, ये सामान को पैक करके, ये पैकिंग वाला आदमी सामान पैकिंग कर रहा है, पैकिंग करने के बाद ला के तरतीब कर रहा है। जैसे अभी तरतीब इधर दिखाया आप लोग को, वो क्या था मना टीशू, टीशू तरतीब कर रहा था, ये सब्जी का पैकिंग हो रहा है। ये पैकिंग करने के बाद जो है ला के इधर तरतीब करेगा, और उसके बाद इसका भी काम अभी खत्म नहीं है, फिर ये सुबह में लगाएगा तो एक्सपायरी चेक करेगा सामान, जो जो सामान सब्जी खराब हुआ, फल खराब हुआ। मतलब इसमें भी टैलेंट चाहिए, पैकिंग भी करने में भी। यहाँ अपने इंडिया की नहीं है कि थोड़ी सब्जी खराब है तो चलेगी। अभी देखिए ये क्या, ये खराब है, नहीं खराब है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये खराब है, अपने यहाँ ये सब बिकेगा। प्रैक्टिकल करके दिखाओगे उसको, उसको पैकिंग करके दिखाओ। गिर गिर माइप गया है आपको, ए सवी 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 आई वो, ये हमारे पैकिंग का काम हो रहा है, ये भी हेल्पर के तरीके से उठाकर से आज सब कुछ तुम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हो। आई वो मुअल्लिम अंता, हां ये पैक हो गया। अगर आपको ये भी नहीं आया करने, तो भैया लाजिम क्लीन का काम करने के लिए से आपको या तो लोडिंग लोडिंग करो। हां तो आप चलिए हम अपना काम दिखाते हैं, मेरा काम क्या है। मुझे भी पता है वीडियो काफी लंबी हो रही है, लेकिन आपको ए टू जेड सब जानकारी मिलने वाली है। हाँ तो गाइस एक काम ये भी है जो हमारे सौरभ भाई करते हैं, जो माल आता है
हैं उसको कंप्यूटर में चढ़ाना कि कौन सा माल कितना आया हैं, तो ये हमारे सोहराब भाई का काम। तो हम भी यहाँ जो आए थे तो कंप्यूटर में माल चढ़ाने के लिए नहीं आए थे। हाँ। हम जब शुरू शुरू में आए थे ना, आपको याद होगा जब सब्जी का गाड़ी आता था। हाँ। तो गाड़ी में से सामान उतार के, उतना गर्मी का मौसम था, गाड़ी में घुसते थे सब्जी उतारना, फिर सब्जी नीचे रखो, फिर गाड़ी में रखे, फिर अंदर ला के रखो यहाँ, फिर उतार उतार के उसको जो है उधर तरतीब पर जो काम है वो लड़का को दिखाया ना करते हुए, वो काम मेरा था। उसके बाद जब सब्जी उतारा हो गया फिर कार्टून फेंकना था, वो भी काम हम कर चुके हैं। वो सब करने के बाद जब एक दिन अचानक से ये बकाला का जो मुदीर है वो यहाँ आया, वो हमको देखा कि कंप्यूटर में बैठ के टिक टॉक कर रहा है, तो क्यों कर रहे थे हम उस दिन, ये मुदीर जो है यहाँ था एक जमनी वो नहीं आया था, हमको निकालना था एक वर्ड का। वो चाचा जो हमारे अभी केसियर में थे, देखा है आप लोग को, वो बताया कि तुमको मालूम है तो एक निकाल दो हमको किसी टाइप का वर्गा, उसमें लिखना था दाम किसी चीज़ का, टमाटर का फिलिन का जो बड़ा वाला है उसका दाम लिखना था, वो लिख के हम निकाल के दे दिए। उसके बाद जब जो सऊदी है यहाँ का मुदीर वो आया, वो पूछा उनसे चाचा से ये वर्गा कौन निकाला, वो मेरा नाम बता दिए। उसके 10-15 दिन के बाद जो है उसको बता दिया कि जो पहले था यहाँ पर तुम्हारा प्रमोशन हो गया। हाँ, प्रमोशन हो गया एक तरह से देखा जाता है, यानी कि हमारे अंदर टैलेंट था तो प्रमोशन करके हमको यहाँ बैठा दिया, जो आदमी यहाँ पहले से था उसको भेज दिया कि अब तुम सिर्फ सामान ला के दो और अपना रेट उट चेक करो क्या सामान का कितना रेट रखना है, इधर अपना फतुला ये डालेगा। 12/8/2024 का है ये, देखिए 12/8/2024 का है ये लेटेस्ट फतुला है, ताज़ा ताज़ा, ये देखिए 10 तारीख का, यानी 3 दिन का फतुला आपको हम दिखा चुके हैं इतना इतना। ये सारा हमारे सोहराब भाई कंप्यूटर में जो भी माल आता है कंप्यूटर में डालना इन्हीं का काम है। एक ये भी काम हो गया, देखो हमारे सोहराब भाई का एक और काम भी है, वो जो बोलते हैं कि बारकोड स्कैनिंग का जॉब, वो भी आपको दिखाते हैं बारकोड स्कैनिंग का जॉब क्या होता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये बारकोड स्कैन करने वाला मशीन है, ठीक है, और ये रहा मेरा सामान, ये कोलगेट आप तो देखे होंगे। अब ये देखिए तुम्हारे कोलगेट में नमक है, पता नहीं है कि नहीं, हमको बारकोड दिखाना है ना, बारकोड ये स्कैन हो गया बारकोड। जो पढ़ा लिखा रहेगा थोड़ा अरबी की जानकारी होगी उर्दू की, चलिए इसको हम काट दिया, मेरा काम हो गया खत्म कर, इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं एक और कैटेगरी हेल्पर के अंदर, है सब कुछ हेल्पर में, जिसको जो जहाँ पे फिट हो जाएगा वहाँ पे रख देगा। तुम्हारा जो भी टैलेंट होगा आने के बाद तुम्हारा काम पता चलेगा यहाँ पे, अगर थोड़ा पढ़े लिखे हो, अगर थोड़ा पढ़े लिखे हो तो तुमको पर्चा रहेगा, माल चेक करना रहेगा। हाँ, तो आप ये आए हैं लेके, तो इनको चेक कौन करेगा भैया? तुम पढ़े लिखे नहीं हो तब भी ऐसे तो चेक कर लोगे, लेकिन पर्चा कैसे पढ़ोगे, तो इसमें भी पढ़ाई की जरूरत है। अब इसका तो गिनती हम कर दिए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10-20 लाख उतार दिए हैं अभी। और जो भी फतूरा होगा सब अरबी में होगा, ये भी जान लो, इंग्लिश में फतूरा नहीं होगा, इंग्लिश में पर्चा नहीं होगा। तो ये नहीं है कि भाई मेरे को इंग्लिश आती है मेरे को मिल जाएगा, नहीं, तुम इंग्लिश तुमको कितनी भी अच्छी आती हो, अगर उर्दू नहीं आ रहा थोड़ा बहुत समझ लो बेकार है, तुम जाहिल में ही शुमार हो। बस तुम्हारा फिर अगर इंग्लिश सिर्फ आ रही है तो तुम्हारा वही काम है, तारीख चेक कर सकते हो, वो इंग्लिश में है, बाकी ए टू जेड कंप्यूटर तक अरबी में है। हाँ, एक पोछा भी मार के दिखाओ ना, चले हैं तो गाइस ये मजाक है, देखिए हमारे सोहराब भाई बोल रहे पोछा भी ऐसे मारना यार। ऐसे ही पूरी बकाले में पूरे दुकान में पोछना है, हमारे सोहराब भाई बस दिखा रहे हैं सब प्रैक्टिकल करके। दो बार क्लीन किए हम भी, इसीलिए हमको तजुर्बा है टाइम का कि 4 घंटा पक्का लग जाता है क्लीन करने में। हाँ, इसी तरह से आपको ये बस 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 गाइस लोग समझ गए हैं, तो दोस्तों आपको तो हम पूरा दिखा चुके हैं कि सुपरमार्केट हेल्पर जॉब कैटेगरी में क्या क्या आता है जॉब। तो सबसे पहले देख लीजिए, अब ये जो है बच गया मेरा इधर क्या ड्यूटी, ड्यूटी का टाइम, ओवर टाइम, ये सैलरी यही बता देंगे। तो इससे पहले एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको, हेल्पर जॉब में कैशियर का आ गया, क्लीनिंग का आ गया,
उसके बाद जो पैकिंग का आ गया, उसके बाद एक्सपायरी डेट चेक करने वाला वो आ गया, उसके बाद सामान तरतीब करने वाला आ गया, यानी जो भी यहाँ जितना भी काम है नहीं जान रहे, सामान को डिस्प्ले करना मतलब लगाना है। जी जी वही डिस्प्ले करना, तो वो भी आपका हेल्पर के ही कैटेगरी में आ रहा है, यानी जितना भी यहाँ काम हो रहा है वो सारा हेल्पर के कैटेगरी में आ रहा है। एक और कैटेगरी छूट गया लोडिंग अनलोडिंग का, वो आपको अगर टाइम मिलेगा कल तो हम बता देंगे वो कैसे करते हैं हम लोग लोडिंग अनलोडिंग। जैसे कोई कस्टमर आया सामान लेने तो सामान उसका लेके उसके साथ जाना है, उसके गाड़ी में रख देना है, तो उसमें फायदा भी है। क्या फायदा जानते हैं आप लोग? 5 रियाल 10 रियाल मिल जाएगा साइड से। अब देखिए आज हमको मिला है 5 रियाल, ये देखिए दोस्तों 5 रियाल हमको दे दिया था वो चुपके से कस्टमर। आप लोग को भी मिलेगा, मुश्किल नहीं, घबराइए नहीं, बस जानकारी ले लीजिए दबा के। कहाँ मिला था हमको कि जब मेरा ड्यूटी है सुबह 4 बजे से, बकाला में कोई था नहीं उस टाइम, एक कस्टमर आया 1000 का सामान लिया, आप कहा थोड़ा पहुँचा दो गाड़ी में, गए पहुँचा दिए, 10 रियाल दे दिया, 5 रियाल खा लिए सुबह में, 5 रियाल जेब में रख लिए। ये अंदर की बात है, ये नहीं अंदर की बात है, ये मैं बाहर से बोल रहा हूँ, आप लोग सीरियस नहीं लीजिएगा अभी। तो चलिए वीडियो मुद्दा पर आते हैं। तो हम जो कस्टमर का सामान पहुंचा है तो लोडिंग अनलोडिंग के कैटेगरी में उसको नहीं जोड़िएगा आप, वो लोडिंग अनलोडिंग नहीं हुआ, वो तो कस्टमर का सामान पहुंचाना भैया, डिलीवरी बॉय की तरह जो काम करता है वो। लोडिंग अनलोडिंग का रियल काम जो हो गया ना, जैसे सामान आपका बकाला में आएगा कहीं से, तो वो जो मंदूब लाके देगा वो तो अपना उतार के जाएगा, मुश्किल नहीं है। जैसे एक सामान आपका सामान सब्जी और फल, ये दो सामान जब आएगा ना तो आपको खाली करना पड़ेगा गाड़ी, गाड़ी से उतार के नीचे रखना पड़ेगा, नीचे उतार के फिर आपको जो अंदर लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद उसका जो पैकिंग होगा, छटैया होगा, खराब उराब सामान निकलेगा, उसके बाद तरतीब होगा। अब चले आते हैं ड्यूटी, कितना घंटा ड्यूटी होता है। दलाल लोग जो है बताता है कि ड्यूटी आपका है 8 घंटा, सरासर झूठ है। तो सरासर जो है झूठ बोलता है कि 8 घंटा का ड्यूटी है और ओवर टाइम मिलेगा, लेकिन बकाला में अगर आपका काम लगेगा तो ओवर टाइम तो भूलिए जाइएगा भैया, ओवर टाइम नहीं मिलेगा। हाँ मॉल में भले मिल सकता है लेकिन बकाला में ओवर टाइम नहीं मिलेगा, वो भी अगर बकाला आपका 24 घंटा खुला है तो 12 घंटा और 12 घंटा का ड्यूटी मिलेगा आपको, ठीक है। 12 घंटा आम है, 12 घंटा मिनिमम चल रहा है। और छुट्टी का बात तो जमाने पर मत लाइएगा बकाला के अंदर। वो जो बोलता है दलाल की 8 घंटा का ड्यूटी है, ये भी झूठे है। हफ्ता में 1 छुट्टी है, ये भी सरासर झूठ है। सबसे बड़ा झूठ जो बोलता है वो लोग कि 1300 प्लस 250 सैलरी की बात है, ये 1300 प्लस 250 ये भी सरासर झूठ है दोस्तों। अब यहाँ आने के बाद आपका ड्यूटी लगेगा 12 घंटा। यहाँ आने के बाद तुम कोई भी काम करो, चाहे तुम कैशियर का करो, चाहे लोडिंग अनलोडिंग करो, चाहे क्लीनिंग करो, चाहे सामान लगाओ, चाहे माल पैकिंग करो, चाहे तारीख देखो, 12 घंटा करना ही करना है। और सैलरी आपका 1500 के अंदर ही रहेगा, 1500 के ऊपर नहीं जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और जैसा तुम्हारा काम रहेगा पोछा का या फिर ये सब का, तो और भी डाउन जाएगा, बिल्कुल डाउन जाएगा। और कोई गलती हो गया तो उसमें सैलरी आपका कटेगा भी बाद में, धीरे धीरे आते ही तो तुम्हारा तो ये मत सोचना आके ही मेरे को 1800 2000 2500, ये तो सोच के बता कि सोच के आना ही नहीं। और अगर दलाल बोल दिया कि तुमको 2000 मिलेगी या 1800 सैलरी मिलेगी, तो उसी मुंह पे उसको जूता मारना, बोलना रे भाई किसी और को चूतिया बना। तो सुन लीजिए आप लोग, ये सही सही है, सरासर हकीकत है, ये एक लफ्ज इसके अंदर झूठ नहीं है। हमको ही बोला था दलाल मेरा, कुछ तो यही सब होता है हेल्पर के काम में, सुपर मार्केट में आप सब कुछ सुन लिए है, देख लिए है। इसके बाद भी अगर आप लोग का आंख नहीं खुला है तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो यार सोहराब भाई, अगर कोई बंदा आ रहा है है? तो मैं तो बोलता हूँ भाई दलाल के थ्रू मत आओ। जी दलाल के थ्रू मत आओ है? अगर आ रहा है तो भाई कोई तुम्हारा जान पहचान वाला हो, कोई दोस्त यार हो या कोई तुम्हारा रिश्तेदार हो, वो बुला रहा है तो वो जो बताएगा सच बताएगा कि इतना तुम्हारा सैलरी है, इतना तुम्हारा ड्यूटी है। अगर तुम दलाल के थ्रू आ रहे हो तो जान लो वो जो भी बताएगा उसमें से 90% सब झूठ है, झूठ है। 10% में से भी तुमको 5% सही मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा सही। अब देखिए ना, हम आए थे सऊदी अरब, अभी देख लीजिए मेरा, हमको क्या बोला था, सुपरमार्केट का जॉब है, ठीक है, बारकोड स्कैनिंग का जॉब है, ये भी झूठ मिला मेरा। उसके बाद बताया सैलरी तुम्हारा 1300 प्लस 250, सैलरी कितना मिला था हमको 1100 प्लस 250, 200 ऐसे काट लिया। मेरा भी ड्यूटी बताया था दोस्तों कि तुम्हारा ड्यूटी 8 घंटा का होगा, हफ्ता में 1 छुट्टी होगा, एक बात सही निकला उसका कि छुट्टी तो मिला है वो एक तीन महीना तो भी छुट्टी था। हाँ, जब से आए सऊदी अरब 3 महीना आए, आराम से रूम में सोए, एक रियाल नहीं मिला, एक रियाल। और ऑफिस का भी नाम बता देते हैं, कौन ऑफिस से आए थे, तो ऑफिस का नाम है दारेन ट्रेवल्स लखनऊ, दारेन ट्रेवल्स लखनऊ,
जिसका डायरेक्टर है अब्दुल्ला खान। तो इस पर भी एक लंबा वीडियो बनेगा, इसका टॉपिक आप हम बताएंगे दूसरे वीडियो में कि एजेंट जो है सऊदी अरब जो है भेजने से पहले या जब से आप एजेंट के ऑफिस जाते हैं वहां से लेके सऊदी अरब पहुंचने तक का खेल भेल में एजेंट का क्या रोल रहता है, और सऊदी अरब जब आप आ जाते हैं उसके बाद एजेंट कैसा हो जाता है, ये दोनों मुद्दा आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तो गाइस वीडियो काफी लंबी हो गई है, मुझे भी पता है, क्योंकि हमारे सौरभ भाई ए टू जेड सब कुछ बताना चाहते थे, तो इसी की वजह से वीडियो लंबी हो गई। लेकिन आपको सारा आपका जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अभी बहुत सी कैटेगरी ऐसी है जो हम नहीं कवर कर पाए हैं, और बहुत सी बातें जो लोगों के दिल में है वो भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइस यही सब बात है, यही सब हमारे सौरभ भाई आप लोगों को बताना चाहते थे, क्योंकि उनके साथ ऐसा हो चुका है और उनके साथ ये घटना घट चुकी है, क्योंकि वो दलाल के थ्रू आए थे। तो इसीलिए वो मेरे से कई दिन से बोल रहे थे, यार फैज भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। वो कई बार मेरे को बोले और कई दिन से बोल रहे थे, तो मैंने आज उनसे कहा कि यार सौरभ भाई ठीक है, आज इसी टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं। तो हमारे सौरभ भाई के साथ ये हो चुका है, इसीलिए वो बार बार बोल रहे थे कि इस पे वीडियो बनाते हैं, ताकि अगले बंदे को ये जानकारी हो जाए, ये नॉलेज हो जाए। तो चलिए गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे सौरभ भाई की जो मेहनत है, जो उन्होंने सब कुछ ए टू जेड प्रैक्टिकल करके दिखाया है, यहाँ तक कि पोछा मार कर भी दिखाया, कचरा फेंक कर भी दिखाया, ताकि सब प्रैक्टिकल हो जाए कि क्या कैसे और क्या कुछ करना है, ताकि आप लोग जब आइएगा तो ये मन में डाउट नहीं रहे कि यहाँ क्या क्या करना पड़ता है, हेल्पर कैटेगरी में क्या क्या करना पड़ता है। ये डाउट आपका खत्म करने के लिए हम जो आप लोग के लिए क्या क्या नहीं किए हैं, अभी देखिए कपड़ा कचरा भी फेंके हैं, क्लीनिंग का भी काम कर दिए हैं, और क्या बताएं। और अगर आप लोग को लगता है कि कोई कैटेगरी इसमें छूट गया है, मन में अगर कोई सवाल है आप लोग के, तो आप कमेंट में लिखिएगा, जरूर कमेंट में लिखिएगा, उसके बाद हम उस टॉपिक पर वीडियो बना के दिखाएंगे आप लोग को। हो सकता है गलती हुआ हमसे, कहीं कोई टॉपिक नहीं बोल पाएंगे सही से, तो कमेंट जरूर कीजिए, कोई टॉपिक छूट भी सकता है, हो सकता है छूट गया होगा। तो गाइस अगर हम लोग कोई टॉपिक नहीं कवर किए हैं या भूल गए होंगे हम लोग उस टॉपिक के बारे में बताना, तो आप लोग कमेंट में उस टॉपिक को बता दीजिएगा, हम लोग उस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना देंगे, ताकि ए टू जेड आपको सारी जानकारी सुपर मार्केट की लाइन में सब कुछ मिल जाए। या आप लोग के मन में कोई अपना सवाल होगा तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट में, अगर हमसे हो सकता है संभव होगा करना तो हम करके दिखाएंगे आप लोग को, वो भी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे अगर संभव हुआ तो। आपको ऐसा सवाल नहीं पूछ दीजिएगा जो यहाँ के कानून के खिलाफ हो, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसी आपको वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।